जय हिंद दोस्तों। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर्स के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था आपको 1.1 का, ठीक है। अब जो ये जो वीडियो है, आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन जो है सॉल्व आउट करके बताएंगे, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, उनको एक्सप्लेनेशन वन बाय वन आपको करेंगे, ठीक है। देखिए, नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 सीबीएसई क्लास 9th, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन नंबर 1 की, हम बात करते हैं पहले, तो फिर बाकी हम डिटेल में आराम से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो, इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि क्या जीरो जो है रैशनल नंबर है, क्या उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जो है क्यू जो है डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन आपकी दे रखी है। चलिए, ओके, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हाँ भाई, जीरो जो है रैशनल नंबर है, यस जीरो इज रैशनल नंबर, जीरो को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू, जिस तरीके से जैसे पी होगी, ठीक है, बस समझ में इसका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। देखो, जीरो को रैशनल नंबर इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जीरो के डिनोमिनेटर में हम कोई भी नंबर लेंगे तो आंसर जीरो ही आना है, और हम इसको जीरो को पी अपॉन क्यू यानी कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ओके, ये बात समझ में आपको आ गई, वेरी गुड। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। अभी जो है 3 और 4 के बीच में हमें क्या करना है, 6 रैशनल नंबर्स निकालना है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। देखो, एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसे नंबर्स दिए हो और उसके बीच में जितने भी नंबर्स रैशनल नंबर्स निकालने के लिए कहा जाए, तो क्या करना है आपने, उससे एक ज्यादा से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। देखो, जैसे हमारा हो गया 3 को 3 अपॉन 4 ले सकते, 1 ले सकते हैं, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और उसका भी हम करेंगे 7 से, ठीक है, 6 प्लस 1, ठीक है। वैसे ही हम कर सकते हैं 4 अपॉन 1 को भी कर सकते हैं, 7 सम ऊपर मल्टीप्लाई कर, 7 सम नीचे मल्टीप्लाई कर, 7, ठीक है। हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए थे, 6 रैशनल नंबर चाहिए थे, हम क्या करेंगे, 21 अपॉन में 7 से देखिए काउंटिंग करते जाओ, 22 अपॉन में 7, 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7, 27 अपॉन में 7 और 28 अपॉन में 7, ठीक है। तो ये जो हमारे हमें क्या चाहिए, 6 रैशनल नंबर चाहिए, तो ये है हमारे 6 रैशनल नंबर आ गए, ठीक है, सॉरी सॉरी, दिस आर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3। बात समझ में आती, यानी कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर्स निकालने, कितने रैशनल नंबर्स निकालने पहले तो वो चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक ज्यादा से ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट लाइक दिस, ओके। तो ये हमारा हो गया, इसको रैशनल नंबर्स की फॉर्म में इसको हम यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा दिया, अब हम समझाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, आपको समझा दिया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। देखिए, इसको भी इसी मेथड से करते हैं, ठीक है। हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स हमें निकालने हैं, इसके बीच में, किसके बीच में, क्या निकाल, टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड
अपॉन फाइव, इन दोनों के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, फाइव रेशनल नंबर्स निकालना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात यह आती है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो देखना होता है। ठीक है, हम चेक करेंगे भाई दोनों का डिनोमिनेटर क्या, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो इसके बीच में हमें कितने निकालने, फाइव रेशनल नंबर्स निकालने, तो हम क्या करेंगे, फाइव प्लस वन यानी कि सिक्स से हम ऊपर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा एटीन, यहाँ पर आएगा। ठीक है, सिमिलरली हम करेंगे फोर अपॉन फाइव को भी हम सिक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर सिक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोनों को डिनोमिनेटर सेम आ गया, हमें क्या निकालना है, फाइव रेशनल नंबर्स निकालना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एटीन अपॉन में थर्टी और 24 अपॉन में 30 के बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने, यानी कि 18 अपॉन 30 का मतलब हो गया 3 अपॉन 5 और 24 अपॉन में 30 का मतलब हो गया 4 अपॉन में 5। ठीक है, ओके, 18 अपॉन में 30 का मतलब हो गया 3 अपॉन 5 और 24 अपॉन में 30 का मतलब हो गया 4 अपॉन में 5। अब हमें क्या करना है, अभी 18 अपॉन में 30 से लेकर के 24 अपॉन में 30 तक के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, आएगा आपका 19 अपॉन में 30, 20 अपॉन में 30, 21 अपॉन में 30, 22 अपॉन में 30, 23 अपॉन में 30। ठीक है, तो ये जो हो गए हमारे, दीज आर फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 6/5। ठीक है, आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप, ठीक है, हो गया फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन दैट। ठीक है, आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 3/5, ये रहेगा 19 अपॉन में 30। ठीक है, और ये 20 अपॉन में 30 को हम सकते हैं 2 अपॉन में 3, 21 अपॉन में इसको सकते हैं 7 अपॉन में 10। ठीक है, ये हो गया हमारे 11 अपॉन में 15, ये हमारा 23 अपॉन में 30, ये हमारा हो गया 4 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फाइव फ्रैक्शन नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आता आप कमेंट कीजिए और मुझसे डाउट्स दोबारा क्लियर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये था इसको करने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, अब जाते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर बेसिकली क्या, ट्रू और फॉल्स और रीजन बताना है उसके आंसर्स का आपको। ठीक है, देखो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था रैशनल नंबर्स के बारे में बताया था। ठीक है, रैशनल नंबर्स के अंदर आपका अननेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं। ठीक है, ओके, जितने भी आपके नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, इन तीनों का जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड द रैशनल नंबर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलिए बात उसी के बेसिस आप क्वेश्चन का आंसर देखिए। देखो क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं? देखो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं इनफिनिटी तक, और होल नंबर्स क्या होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो वन से स्टार्ट हो रहे हैं इन्फिनिटी तक, और होल नंबर्स जो है जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं इन्फिनिटी तक। तो डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस यही है सिर्फ, इसमें जो होल नंबर्स में एक जीरो एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है, है ना? तो वही चीज कह रहे हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स वो होल नंबर्स है। यस, क्यों है? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स आपके वन से लेके इन्फिनिटी तक है वो होल नंबर्स के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, ट्रू आएगा, क्यों आएगा? बिकॉज जितने भी नेचुरल नंबर्स आर बेसिकली आर पार्ट ऑफ अ होल नंबर्स। ठीक है, ट्रू है, क्यों है? बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। समझ में आगे बात कि नहीं है? तो नेचुरल नंबर्स ऑब्वियसली बात है वन से लेके इन्फिनिटी तक होते, उसमें अगर हम एक जीरो ऐड कर दें
इंक्लूड कर दे तो वो होल नंबर्स बन गया। तो ये देखो होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स इंक्लूड हुए ना 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो यानी कि होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ अ सॉरी नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो सिंपल सी बात है, पहले तो बात समझो क्या कहना चाहते हैं। देखो इंटीजर इंक्लूड्स, इंटीजर्स बेसिकली क्या करता है, इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। और होल नंबर्स मैंने आपको बता ही दिया था कि वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है। ठीक है, इसमें नेगेटिव नंबर्स तो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा, ये होगा फॉल्स होगा। ठीक है, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर्स, का पार्ट नहीं है। बात समझ में आ गई, क्या क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है ट्रू फॉल्स में। हाँ, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम बात करते हैं, वो क्या है, क्वेश्चन क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखो सिंपल सी बात, अरे ये जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया इसको, जो कह रहे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं ना वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं। तो बच्चे कैसे मान लोगे आप, ये तो फिर भी फॉल्स हो ना। अगर हम बात करते हैं होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, तब तो हम बात कर लेते हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है, लेकिन सारे रैशनल नंबर होल नंबर्स होते नहीं ना, क्योंकि सारे होल नंबर्स जो है ना तो नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करता है, ठीक है, ना ही फ्रैक्शन वाले नंबर जैसे तरह के फ्रैक्शन से हो फॉल्स, फॉल्स क्यों, बिकॉज होल नंबर डज नॉट इंक्लूड टू अपॉन में थ्री, ओके माइनस टू अपॉन में फाइव एक्सेट्रा। ठीक है, तो यानी कि जितनी भी जो आपके ये जो जिस टाइप के नंबर जो है वो होल नंबर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। बात समझ में, तो ये सिंपल फैक्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात होगी। चलो एक नोट आप लिख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा ये है वो देखिए क्या कहना चाहता हूँ मैं, देखिए आप लिख देता हूँ। देखो रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें, रैशनल नंबर्स दे आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स, नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स प्लस इंटीजर्स। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर्स है वो बेसिकली क्या, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं भाई जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके रैशनल नंबर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे रैशनल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स हो। ठीक है, बात समझ में आ गई, सारे होल नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि माइनस टू अपॉन में फाइव, ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वैसे ही जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे आपके रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको 1.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जब तक आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुँचें। टिल दैट थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।